लेट्स गो बॉयज। मेरा सही डिसीजन था भाई ये बाइक लाने का, साथ ही साथ चल रहे हैं अभी तक तो, मतलब ज़्यादा पीछे हुए नहीं। स्लो बाइक को फास्ट चलाने का अलग ही मज़ा है, रैदर देन फास्ट बाइक को स्लो चलाने में। इंटरसेप्टर सेक्सी दिख रही है ना साइड से, लेफ्ट साइड से। अब आ गए भाई, अब जाके पूरा वो साफ रोड मिला है तो थोड़ा बहुत भगाने में मजा आएगा। और सेक्सी भाई बढ़िया लग रही है, बढ़िया। ये सेक्सी लीन चेकआउट करना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्कालर एक्सट्रीम। और भाई देख सकते हो आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं अपने एक्सट्रीम के साथ संडे राइड पे भाई। फाइनली इतने टाइम से मैं प्लान कर रहा था भाई कि इस बाइक के साथ संडे राइड करूंगा और आज भाई मेरे को संडे राइड करने का मौका मिला है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस जाता है। अगर मुझे लगा कि ये बाइक इन लोग के सामने ये स्लो है तो फिर मैं इसको नहीं निकालूंगा, फिर अपनी कावासाकी वाली को लेके चलूंगा। बट सिंस ये स्लो राइडर्स है तो मुझे लग रहा है ये बाइक बहुत फिट बैठेगी इनके साथ और अपना कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा नेचर है थोड़ा गाड़ी भगाने वाला। तो मैं एक फास्ट बाइक को स्लो भगाऊं उससे बेटर है भाई कि मैं एक स्लो बाइक को फास्ट भगाऊं, उसके अलग ही मजे। डॉगी बॉय, ये देखो सफाई वाली अभी मशीन चल रही है, सुबह के 6:18 हो रहा है। आगे हम लोग 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। अभी हम लोग अपनी संडे राइड करने GFR जा रहे हैं और वहां से डिसाइड करेंगे कि कहां जाना है। मोस्टली ट्रिप मशीन जाएंगे बट चल के देखते हैं क्या क्या अपने पास ऑप्शन है। लॉर्ड हिमालयन भाई, मेरे को लग रहा है मैं इस बाइक के साथ ही इन लोग के साथ आगे हो जाऊंगा। ये भाई अपने रहे निंजा 650 के साथ रवि किशन। सेक्सी लग रही है यार बाइक, रेड एंड वाइट का कॉम्बो, मतलब मोस्टली वाइट का कॉम्बो है और रेड एंड ब्लैक के ग्राफिक्स लगे हैं उसमें। ओ भाई क्या बाइक ले रहा है यार नागिन की तरह। भाई इसने अपने बाइक पे वो लगा रखा है इंटीग्रेटेड वाला टेल लाइट, तो पीछे भाई मैं भी सोच रहा हूँ वो अपडेट करने का, क्योंकि एक तो भाई पूरा इंडिकेटर उसमें आ जाता है और दूसरा ये जो ब्रेक लगाते टाइम ये जो इफेक्ट आता है रेड लाइट का वो बहुत बढ़िया आता है। आई थिंक TST का ही आता है, TST का भी आता है और भी 2-3 और ऑप्शन है अपने पास, तो अब सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी लगवा दूँ। सेक्सी दिख रहा है ये तो। आपको बाइक्स बताना तो भूल गया, देखो सबसे आगे चल रही है कावासाकी निंजा 650, उसके आगे रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर, फिर आती है भाई मेरी एक्सट्रीम 125R और पीछे एक और चल रही है रॉयल इनफील्ड की। तो अपने साथ एक और बंदा राइड करता है बट आई गेस वो आज नहीं आया क्योंकि वो बाहर है, तो अभी फिलहाल हम 4 जने नहीं है।
से लेफ्ट लेना है। ओके, ये लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं। मैं वैसे पहली बार इस रूट से जा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे मोस्टली अब मीटअप पॉइंट्स तो भाई एम्बियंस मॉल का रहता था, तो हम लोग एम्बियंस मॉल के पास इकट्ठा होके फिर आते थे। लेकिन फिर भाई ने बोला कि भाई डायरेक्टली चलते हैं इस वाले रूट से। मैं चलो ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है एम्बियंस मॉल में भाई बहुत गंद मचाते हैं, तो बेटर कि अवॉइड करो वहाँ पर। हालाँकि खुद हम लोग जब जाते थे तो दूसरे साइड खड़े हो जाते थे ताकि जो लोग स्टंट वगैरह कर रहे हैं अपने बाइक में ना ठोकें, तो वो तो सेफ्टी हम लोग ध्यान अपना देते ही थे। बहरे हो गए क्या, हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं तीनों। भाई सच में मेरे लिए कुछ ज्यादा ही नया रूट है भाई, ये तो मैंने भी नहीं देखा इधर से रूट। डायरेक्ट फरीदाबाद में घुसेंगे क्या यहाँ से? भाई गिरना मत सर पे। मेरा सही डिसीजन था भाई ये बाइक लाने का, साथ ही साथ चल रहे हैं अभी तक तो, मतलब ज़्यादा पीछे हुए नहीं। स्लो बाइक को फास्ट चलाने का अलग ही मज़ा है, रैदर देन फास्ट बाइक को स्लो चलाने में। GT 650 गई भाई, साउंड से पता चल रहा था। मैं चलूंगा पीछे पीछे पीछे। GT और इंटरसेप्टर के जो डबल एग्जॉस्ट आते हैं भाई अलग ही लुक दे देते हैं बाइक का पीछे से। ये जस्ट इमेजिन करो अगर ये बाइक सिर्फ सिंगल साइलेंसर पे होती, थोड़ा सा अजीब लगता, कुछ मिसिंग आउट सा लगता। अभी देखो जैसा लग रहा है ऐसा फील हो रहा ना कि जैसे वो लोग भगा रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं कैचअप कर लूँगा भाई। ऑल इल्यूजन। और भाई देख सकते हो सनराइज़ हो चुका है, बढ़िया बढ़िया सनराइज़, ताजा ताजा। तो अपने में अभी तक खास गैप तो हुआ नहीं। अरे क्या हो गया, स्लो डाउन क्यों हो गया? अच्छा बाइक नहीं घूमेगी क्या? मैं लीन करके दिखाता हूँ भाई, ये देखो प्रोफेशनल प्रोफेशनल लीनर। मैं तो कार को भी लीन कर दूँ दो टायर पे। भाई जिस बात का मुझे डर लग रहा था वही है, हो रहा है भाई। बहुत वो है, ट्रैफिक है इस रूट पे। ये क्यों भगा रहा है साला वैन वाला, गाड़ी देख के देख रहा हूँ किसी उड़ान आ दे। यहाँ से लेफ्ट है, ये कहाँ गए हम भाई, वो अलग ही धूल उड़ा रहा है।
वाले। तो जो अपने जो रवि भाई है ना, उनको इस वाले बाइक के बारे में पता नहीं था कि कितने सीसी की है। उनका फर्स्ट इंप्रेशन था 200 सीसी है। मैंने बोला नहीं 125 सीसी है, कौन सी बाइक है भाई। उनका लेजिटली ये रिएक्शन था कि कौन सी बाइक है। अब ये हीरो की तरफ से आने वाली रेस एडिशन बाइक है, तभी 125 आर लिखा हुआ है, मतलब आर इज फॉर रेस एडिशन बाइक। तो थोड़ा बहुत उसका लुक्स तो वगैरह वैसा ही दिया है कि लोग यही समझेंगे कि 150 सीसी के नीचे की तो बाइक नहीं है। 125 सीसी की ऐसी लुक वाली बाइक देखने को मिलती है, अनलेस वो महंगी वाली स्पोर्ट्स बाइक हो जाए, तो निंजा 125, Z125 या फिर RC125। ये तीन महंगे ऑप्शन हैं इंडिया में, बट मोस्टली वैसे RC125 भी देखने को मिलती है, क्योंकि निंजा 125 और Z125 बहुत साल पहले आई थी और अभी नई यूनिट्स उनकी नहीं आती हैं। अब तो जो कावासाकी के जो बेसिक बाइक स्टार्ट है, आई थिंक W175 से स्टार्ट है। खैर वो तो अलग ही कैटेगरी है, वो अपने बुलेट वगैरह जैसी दिखती है, तो वो अलग सी चीज़ है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है वो। स्पोर्ट्स बाइक में इंडिया की स्टार्टिंग तो अब बस 300-300 से ही होती है। खतरनाक स्पीड ब्रेकर है भाई, कोई स्पीड में आया तो सीधे वो गिर जाएगा। हिमालयन भाई, वो बंदा टॉप बॉक्स लेके लीन कर रहा है। इंटरसेप्टर सेक्सी दिख रही है ना, साइड से लेफ्ट साइड से। ये कौन आ रहा भाई भगाते हुए अपना स्प्लेंडर पीछे से। लॉर्ड स्प्लेंडर भगा रहा भाई। अच्छा HR की बाइक है भाई, हाँ ठीक है, एक्सपेक्टेड है। बदमाश लोग की नंबर प्लेट HR 26। अब आ गए भाई, अब जाके पूरा साफ रोड मिला है, तो थोड़ा बहुत भगाने में मजा आएगा। ये रॉयल एनफील्ड भाग नहीं रही है, भगा नहीं रहा है। JFR टोल पे हनुमान जी का भी मंदिर है, इन लोग से पूछेंगे। अगर मैं तो ऐसे जा चुका हूँ, अगर ये लोग चलेंगे तो वापस से चलेंगे, क्योंकि भाई उसी रोड पे ही आए। तो जो लोग भी भाई अपना NCR रीजन से वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों को तो आइडिया होगा ही कि यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर भाई, मतलब मंदिर नहीं बोलेंगे, ओपन में ही है लेकिन बाहर से दिख जाता है, तो बहुत बढ़िया शॉट्स आते हैं। अबे रॉयल एनफील्ड दिख ही नहीं रहा भाई, अबे अबे अब जाके दिखा है। ये लोग एक्सीडेंट होके पड़ी हुई है लेफ्ट साइड में। अबे कितने एक्सीडेंट हो रखे हैं इस रोड पे आज। ब्रेक लगाना है ब्रेक। वैसे वो स्टार्टिंग वाला रूट थोड़ा, ओ अब आया ना बेटा उड़ता हुआ। ओ ओ ओ ओ
रोड खराब। मैं देख रहा हूँ ये लोग अपने जानवर ऐसे ही छोड़ दिए हैं, ऐसे ही खुला है। और ये सब जानवर रोड पे आ जाएंगे, बंदे आते हैं हाई स्पीड में सीधे घुस जाते हैं इन जानवरों में। तो भाई गलती तो राइडर्स की भी है, बट उन्हें आइडिया नहीं रहता ना कि ऐसे यहाँ के आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं, अपना जानवर पूरा खुला छोड़ दिया है। भाई मज़ा आ रहा है यार इसको पहाड़ों में चलाने में भी मज़ा आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वैसी वाली कर्व्स आ रही हैं लेफ्ट राइट। चलाएंगे भाई चलाएंगे, जल्दी चलाएंगे इसको पहाड़ों में भी। क्रॉस मत करियो। R15 से यहाँ से राइट कुछ है, कोई नहीं है। स्पीड ज़्यादा है मेरा, बट ठीक है मुझे बाइक कंट्रोल कर लूँगा क्योंकि थोड़े बहुत टेक्निक्स पता है। देखो इन जानवरों को भाई पूरा रोड पे खुला छोड़ दिया है। ये तो क्या नज़ारा है, बंदर और गाय। भाई कुछ ज़्यादा ही बंदर नहीं आज? खुश हो रहा है लड़का। भाई मैं तो वैसे छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब भी बाहर जाता था तो मुझे भी ऐसे ही लोग मतलब बाइकर्स वगैरह दिखते थे, ऐसा दिखता रहता था। मैं उस टाइम लगता था भाई बाइकर्स लोग क्या ही होते हैं। मैं छोटा था तो मेरे पर्सपेक्टिव में भी वही था कि भाई बाइकर्स मतलब रेसर्स, लेकिन भाई जब तक अपनी बारी आई तब एक्चुअल पता चला भाई डिफरेंस भाई। और पता है जो लोग नॉन बाइकिंग में ना, वो लोग मुझे देख के यही सोचते हैं कि बाइकिंग मतलब वो रेसर्स है। बहुत लोग आते हैं और पूछते भाई रेसिंग करते हो क्या, क्योंकि मेरे कावासाकी वाले बाइक पे लिखा है कावासाकी रेसिंग टीम। खैर वो तो KRT एडिशन कलर का नाम है, तो लोगों को लगता है कि भाई किसी रेसिंग टीम में है, तो वो वाला मिसकॉन्सेप्शन अभी तक चला आ रहा है। तो भाई साहब हेलमेट पहन लिया करो, लेके तो घूम रहे हो, हाथ में डाल लो अंदर। हाथ बचा के क्या करोगे, हाथ बचाना तो ग्लव्स पहनो। सेक्सी भाई, बढ़िया लग रही है, बढ़िया। और ये भाई पहाड़ों पे आ गए भाई, कुड़ों का पहाड़ है लेकिन पहाड़ तो है ना, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। हाय हाय साला कीचड़ उछल रहा है भाई मेरे पे। ये सेक्सी लीन चेक आउट करना। एक और सेक्सी लीन। अच्छा ये है ट्रिप मशीन, कोई आया ही नहीं है क्या इधर, ऐसी खतरनाक जगह। मैं कह रहा हूँ इधर कोई आया ही नहीं है ज़्यादातर लोग। मैं कह रहा हूँ वो वाला प्लान सही है कि तुम लोग यहाँ से मतलब यहाँ चल के या फिर वहाँ पे चलो थॉडल शॉडल या सॉरी क्या नाम क्या बताया था, राइडर्स पैराडाइज।
हाँ बर्नआउट मतलब कोई भी यहाँ पे सब लाइन से ही है, राइडर्स पैराडाइज कैफे। हाँ चलो चलो वो तो हाँ वो तो अंदर चलेंगे देख लेते हैं। तो अपना मस्त खाना पीना इधर से तो हो गया, थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि बर्नआउट कैफे भी एक बार घूम लिया जाए, तो एक बार चल के उधर भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आए यार, बहुत कम लोग थे। इन सब से डर ही लगता है कोई ठोक ना दे, इन सब से डर ही लगता है कोई ठोक ना दे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस एरिया में होते रहते हैं कांड। हाँ इसमें ही है, आ रहे पीछे है। क्या है विली, लेकिन अच्छी थी विली, अच्छी थी लेकिन देख के उतरना रुक जा। जमा हो नहीं, नहीं 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 अरे हाँ भैया अभी भी जमा। तो भाई चेकआउट करो, सौजन खड़ी है भाई, क्या ही प्यारी लग रही है। तो चलो अपना खाना पीना हो गया, अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अपने कुछ थॉट्स, चाहे वो आइदर पॉजिटिव वे हो नेगेटिव वे हो जैसे भी हो, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है अगर पूरे एंड तक वीडियो देखी है तुमने। तो चलो मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ स्काइलर एक्सट्रीम, बाय बाय।